लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भाई सामान जरा ठीक से रखना, चलो रखो। ये लो शांति, फल रख लो, रास्ते में बच्चों को खिला देना, और हाँ अपना और बच्चों का ख्याल रखना, कोयना में सर्दी बहुत पड़ती है। अरे भाईजान आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे हम लोग कोयना नहीं शिमला जा रहे हैं। नहीं सलमा बहन, बात ये है कि पहली बार बीवी बच्चे मुझसे दूर जा रहे हैं ना, इसलिए जी घबरा रहा है। ये मिसेस गोम्स नहीं आई अभी तक। लो आ गई, 100 बरस जिएगी ये तो। इतनी देर कर दी आने में, बस चलने में 5 मिनट रह गए यहाँ। गोलियों के पीछे पागल है, आपका दिन सारा दिन गोली 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 चलने में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जल्दी करो, बस तुम बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, चलो चलो तुम भी बैठो बैठो। और सुनिए, चाहिए आपको छुट्टी मिले फौरन कोई ना चले। हाँ आऊंगा। अरे बदमाश मत क्या करती हो, चलो चलो बैठो बैठो। अरे सुनो सुनो सुनो, जॉन कहाँ है? जॉन यही तो। अरे देखो तुम बैठो मैं देखता हूँ। ए जॉन, अरे जल्दी चल, बस चलने वाली है। आया आया। हाँ जल्दी आ जल्दी। हाय जॉन। हाय विकी। क्या यार, मैं तो समझा था तू आएगा ही। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो कोट ढूंढने में टाइम लग गया, वहाँ वो सर्दी है ना, पहन लेना। हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू यार, थैंक यू। देख मैं तेरे लिए मावे का केक लाया हूँ। अरे वाह यार वाह, थैंक यू। हाँ अरे क्यों इसकी आदतें बिगाड़ता है बेटा, आज सुबह जब मैं इसको प्रेजेंट देने लगा तो कहने लगा मैं नहीं लूंगा जब तक मेरे दोस्त के हाथ का केक नहीं खाऊंगा। किसी दिन इत्तेफाक से तू इसके बर्थडे पे नहीं पहुंचा तो ये तो बर्थडे नहीं मनाएगा बिल्कुल। ऐसे कैसे नहीं मनाएगा अंकल, मैं चाहे पहुंचू या ना पहुंचू लेकिन मेरा केक जरूर पहुंच जाएगा। बस जा रही है, चल जा बेटा, तेरी बस जा रही है। बाय बाय विकी। हां गोम्स आंटी, हेलो। नमस्ते भाभी। आदाब पापा। भाभी जाते साथ ही खत लिख के खबर कर देना। मैं तो खबर कर दूंगी, तुम भैया इनका ख्याल रखना। अरे इनका तो मैं ऐसे ख्याल करूंगा कि वापस आने के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे इनको। हैव अ नाइस ट्रिप। विकी को स्कूल छोड़कर जल्दी से होटल चलते हैं। क्यों? अरे आज पहली तारीख है ना, रघु और जग्गी ने उधार के पैसे ना दिए तो अपना जेड उनका पतीता कर रहा होगा। अरे इसकी तो हाँ, चल। तुम दोनों के ऊपर 400 रुपया उधार हो चुका है। ओफो, तो मेरा घोड़ा गाड़ी गिरवी रख ले, बाहर खड़े लाए। मैं घोड़ा गाड़ी को करूंगा क्या, मैं अपना होटल चलाऊंगा या तुम्हारा घोड़ा गाड़ी चलाऊंगा? अच्छा वो अपना दोस्त ने नाम दे, वो गारंटी ले लेगा ना यार। नाम दे है कौन, यहाँ का मालिक है क्या? नौकरी है सेठ, हम कब बोला कि हम मालिक है, मगर ये लोग तो हम लोगों का दोस्त है ना। अरे सबके सामने लोगों का बेइज्जती खराब नहीं करो। तो उनसे कह दो सीधा सीधा पैसा निकाल दे। अरे मरता काय को सेठ, तू मरता काय को है, नाम दो की पगार में से काट लेना। अरे इसकी पगार है इसकी इतनी कि उसकी पगार में से काटूंगा, ऐसी बात है? अरे काय को ऐसे आदमी लोग की बात सुनता है, उतार अपनी अंगूठियां दे दे इसको। हाँ बराबर बोलता है। ये 3 अंगूठियां 3 बीवियों के साथ दहेज में आई थी, संभाल के रखना। ओम अल्लाह, क्रॉस की अंगूठी, ये साहूकार की दुकान नहीं है, ले ले अपनी अंगूठियां। और कायको ऐसे फालतू दोस्तों के लिए अपने घर की इज्जत गिरवी रखता है, अभी चल भेजा। आओ दाम। और सुनो तुम दोनों, 1 महीने के अंदर मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। अरे हाँ दे देगा ना यार, साले कहाँ से चले आते हैं। सेठ ये बेवड़े का 4 रुपया बिल हो गया, देता नहीं है। अरे नामदेव जरा पैसा तो वसूल करके दे। अरे पैसा नहीं है, बोलो ना देखो। एक तो चाय के कप में दारू पीता है, ऊपर से पैसा भी नहीं देता है। ए बेवड़ा पैसे क्यों नहीं देता, निकालो 4 रुपए। पैसा कैसा नहीं है, अपन का पैसा बेवड़े में सब खलास, 5 रुपया बच जाए, ये लॉटरी का टिकट लिया है 5 लाख, तुम ले 4 रुपया दे उसे। अरे इस टिकट को लेकर हम क्या करेगा? अरे सेठ अपन का नसीब फुटेला है, तुम्हारा नसीब जोरदार है लगेगा, तुम ले साहब ले। क्यों भाई क्या ख्याल है, 5 रुपए का टिकट 4 रुपए में मिल रहा है, 1-1 रुपया डालकर ले ले। तो लाओ फिर निकालो 1-1 रुपया, ले बे नामदेव तू दे 1 रुपया। लाओ भाई ये ले, सेठ को बेवड़े का बिल दे दे। ये लॉटरी का टिकट रहेगा किसके पास? अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी के पास भी रहे, आपस में दोस्ती की बात है, कोई बेईमानी थोड़ी करेगा। नहीं प्यारे, जहाँ पैसे का मामला आता है वहाँ दोस्ती रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती है। एक काम करते हैं, जिसका पत्ता सबसे भारी होगा लॉटरी का टिकट वो रखेगा। लगता है टिकट जग्गी के पास रहेगा। ए भाई कभी लॉटरी लगे तो तू लेके फूट मत जाना। अरे भाई रघु क्या बात करता है, कभी भी आजमा लेना, दोस्ती के लिए जान दे दूंगा लेकिन कभी बेईमानी नहीं करूंगा। अरे मिलाओ इसी बात पे हाथ, चलो मिलाओ। ये बात हुई ना।
मैं बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ के राशन लाने जा रही हूँ। तुम जल्दी से वहीं आ जाना। जल्दी आना पापा, जल्दी आना पापा, जल्दी आना। चलो बच्चों, टाटा पापा, टाटा पापा, पापा टाटा। आशा भार्गव ने किम का हाथ पकड़ो। हाथ रखी थी कहाँ गई? डबल वन, डबल वन, टू जीरो, टू जीरो, सिक्स वन, सिक्स वन, लकी लकी। धन्य हो लक्ष्मी, हाँ धन्य। मालती, अरे ओ मालती, अरे मालती, देखो हमारी लाठी लग गई। तुम जल्दी वापस आ जाओ। हाँ, अरे भाई हमारी लाठी लग गई, हम अमीर हो गए। अरे हे भगवान, तूने हमारा नसीब धो दिया, हमारा नसीब खुल गया। अरे भगवान, तूने हमें रही बना दिया। अरे मेरे यार सुनेंगे, तूफान हो जाएंगे। मैं सबसे पहले नाम देखो फोन करता हूँ। अरे ईरानी सेठ का सारा कर्जा चुका देंगे, सारा कर्जा चुका देंगे। ए जगी, अरे रघु, अरे रघु मेरे यार, देख हमारी लाठी निकलाई, लाठी ऐसी बातें करे लग जाए मेरी जान। अरे हम लक्ष्मी बन गए। तूने मुझे तूने बोला था ना मैं दोस्ती के वास्ते जान दे दूंगा। अब एक काम कर, तू जान दे दे और मैं पैसा ले लेता हूँ। प्लीज, मैं जग्गी बैंड वाला बोल रहा हूँ, खेतवाड़ी 14 गली से। मुझे मेरे दोस्त नामदेव, नामदेव ने चाकू मार दिया। गाय को झूठ बोलता है रे साला, पैसे के लालच में तूने मेरे दोस्त की जान ले डाला। नहीं 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 रघु, मुझे अपने बच्चों की कसम, मैंने इसे नहीं मारा, ये तो मेरे आने से पहले मारा हुआ था। मगर तू अपनी हालत देख, हाथ में चाकू है, कमीज पे खून का निशान है, कभी खून निकलेगा तो सीधा बारा के भाव में चला जाएगा। फेंक इसको, अरे फेंक, और जाके पहले निशान दो। जा, अचानक ये खून के दाग धो रहा है। ए, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। अरे तू, अरे नामदेव, तू यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ भाग रहा है? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस? चल चल बैठ बैठ, चल जल्दी जल्दी जल्दी। पुलिस तेरा पीछा क्यों कर रही है? वो जग्गी का खून हो गया। क्या? वो मैंने खून नहीं किया, मुझे मेरे बच्चों की कसम। मैं जब वहां पहुंचा तो जग्गी की लाश वहां पड़ी हुई थी। तुम रघु से पूछ लो, रघु भी वहां मौजूद था। अब रघु कहां है? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पुलिस को देखकर वो भी भाग गया हो। खैर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। क्या हुआ, क्या हुआ दामू? लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। गाड़ी एक तरफ रोक, एक तरफ रोक। अब पता दामू, 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 घबरा नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। दामू बचूंगा, दामू, बोलना, बोलना, क्या हुआ तुझे?
इससे पहले तुझे कभी दौरा पड़ा है? दामू बताता क्यों नहीं? दामू दामू बोल ना, दामू दामू बोल ना। I'm sorry, Mrs. Gomes. ये मर चुके हैं। Oh God! Oh God! हम आपके पास क्या जवाब देगा? जी। I'm very sorry, Mrs. Gomes. क्या बता सकती हैं नामदेव कहाँ हैं? नामदेव तो इधर नहीं आया। उसका बीवी और दो बेटा लोग आया। देखो ना क्या ट्रेजेडी हो गया। हम उसी की तलाश में। काय को? वो खून करके फरार हो गया। नहीं नहीं, नामदेव खून नहीं कर सकता। हम उसे कहीं से भी ढूंढ लेंगे। नहीं, नहीं। चलो पिताजी, खूनी नहीं हो सकते। अब हमारा क्या होगा आंटी? तुम्हारी आंटी गोम सभी जिंदा है बेटा। अगर गॉड हमारा नसीब में दुख लिखा है तो हम दुखी बात ये रहे लॉटरी के 5 लाख रुपए। अच्छा एक बात बोल, ये पैसा लेके तू करेगा क्या? यार मैं सोच रहा था एक होटल बनाऊंगा। कमाल है यार, तेरी खोपड़ी मेरी माफिक चल रही है। साला मैं भी होटल बनाने की सोच रहा। क्या बोल रहा है? ईमान से एक काम करते ना, अपन दोनों मिलके होटल बनाते, बड़ा शानदार होटल। अपना नाम दो ना, उसकी भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है, एक काम करेंगे। क्या? उसके छोकरे को अपने होटल में नौकरी दे देंगे बाहर वाले की। बराबर है। आ! लगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम्हारी गोटियों पे से तो फिसलने की आदत सी हो गई है। अरे स्कूल में भी गोटियां खेलता होता, बेचारा हेड मास्टर इसके गोटियों पर से फिसल के गिर गया, हॉस्पिटल में पड़ा है। ओफो, तू कभी नहीं सुधरने वाली। चल भागे इधर से। अच्छा आंटी जी, जॉनी कहाँ पर है? वो क्या होटल में? होटल में ए जॉनी। अरे तू ये क्या, पढ़ाई लिखाई छोड़कर तू होटल में वेटर का काम करने लगा? अरे यार ये तो अपना खानदानी पेशा है। दादा विठल की होटल में वेटर था, बाप ईरानी की होटल में, और अपुन साला राम भरोसे हिंदू होटल में। ये जारी है सेट का 2 रुपया भरा ना लो। अरे बैठ ना यार, बोल तू क्या खाएगा? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सुन जानी, पिताजी मुझे विलायत भेज रहे हैं। विलायत? हाँ पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया कि जॉनी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तू ऐसा मत कर यार, तू जा विलायत, खूब पढ़ लिख कर आ। जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो पब्लिक के बीच में अपना भी वट हो जाएगा यार। अपने दो जगी और नामदेव के गम में पीते। अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दो नहीं 4 गिलास पिताजी, आप लोग दोस्ती के गम में पीजिए और हम लोग होटल बनने की खुशी में। अबे ये क्या तुम्हारी उम्र है दारू पीने की? पिताजी तो हमेशा कहते हैं कि बच्चों को बड़ों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। क्यों पिताजी? अरे जियो मेरे लाल, देखा इसको कहते हैं बेटे। मैं तो कहता हूँ तू भी अपने बेटे को पिलाना शुरू कर। अबे चुप है। दो बुनियादी डाल दीजिए। भर दे भर दे। चीयर्स। होटल के 20 साल मुबारक हो। मुबारकबाद तो मैं तुम लोगों को तब दूंगा जब आज का ये फंक्शन कामयाब होगा। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। बेटे आज हमारे यहाँ लीडर्स आने वाले हैं, फिल्म स्टार्स आने वाले हैं। स्टार्स आने वाले तो क्या हुआ अंकल, हम भी किसी स्टार से कम नहीं है। आज रात को आप जरा हमारा भी इंतजाम देखिएगा। You're right, brother. Yeah! Yeah. हम एक रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं। हेलो मिस्टर गुप्ता, हिंदुस्तान में अपनी तरह भाई पार्टी का सारा इंतजाम तो A1 है, लेकिन आपका वो 3 नामों वाला वेटर कहाँ है जो सबका दिल बहलाता है? At your service, sir. लीजिए, जिसे आप याद कर रहे थे वो रहा। Ladies and gentlemen, please enjoy yourself. Champagne boy, champagne boy. Hey Johnny,
केक। अरे कितना टाइम लगा दिया तूने? 50 दुकान ढूंढने के बाद ये मावा केक मिला। बड़ी मुश्किल से घसीटा मल की दुकान से घसीट कर ला रही हूँ। हाँ, 2 घंटा रह गया प्लेन छूटने में। पायलट के हाथ भेजाता हूँ विकी के लिए। तू जा, तू जा। अच्छा। अरे उधर से नहीं, उधर से इधर। समझती नहीं जॉनी, चोट तो नहीं लगी जॉनी? आपको की गोटी गिर गई थी ना वो। अरे तेरे को बोला इस उम्र में गोटियां नहीं खेलते, नहीं खेलते, नहीं खेलते। अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे भाई उठा जॉनी, जल्दी। जा मेरी माँ, जा। अरे तो अपना मुंह देख, मुंह देख। अरे बाप रे, गोटी गोटी तकलीफ। जाड़िया हट, हट इधर से जाड़िया। साला मेरी गोटी में बैठ गया। साला गिरता तो ना लफड़ा अपने साथ हो रहा है। तेरे नाक पे भी मेरी गोटी। ए अपने, तेरे चश्मे में भी मेरी गोटी। चलो हटो तुम लोग तीनों इधर से, हटो इधर से। मैं क्या कर रही पीछे देख। ए, ये सब क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? बस बस यही हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉरी, आपका सब कपड़ा खराब हो गया। सॉरी। कम ऑन फॉक्स, लेट्स गो। ओ पायलट साहब, स्टॉप स्टॉप, एक मिनट, एक मिनट। जॉन, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं सब, थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था। क्या बात? वो साहब आप विलाज जा रहे हैं? तेरे साहब उधर अपना एक दोस्त रहता है विकी, कल उसका जन्मदिन, ये केक उस तक पहुंचा था, आप ले जाएंगे? अरे बस इतनी सी बात है? अरे मूड हो तो बोलो, तुमको भी साथ ले चलते हैं। अरे साहब अपना किधर नसीब है विलाज देखने का, ये केक उस तक पहुंच जाएगा, अपन समझेगा, अपन भी अपना दोस्त के साथ चला गया। ओके प्लीज, थैंक यू। वो साहब एक मिनट, ये उसका एड्रेस। ओके थैंक यू।